नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। दोस्तों, आज की कहानी मेरी गोरखपुर गांव के एक मोहल्ले की है। वहाँ पर बहुत से लोग रहा करते थे, उन्हीं में एक परिवार बहुत खुशी खुशी रहता था। उस परिवार में दो बेटे थे। छोटा बेटा अपने माँ बाप के साथ रहता था और बड़े बेटे को परिवार से कोई खास मतलब नहीं था। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। ये कहानी छोटे बेटे विशाल पर आधारित है। विशाल की पत्नी का नाम गीता था। वो दोनों अच्छे से जीवन बिता रहे थे। विशाल और गीता के दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। विशाल वकील था, उसका काम काज भी ठीक से चल रहा था। एक दिन विशाल की माँ ने गीता और विशाल को बोला कि बेटा कभी गांव चले जाया करो और वहाँ जमीन और पुश्तैनी हवेली भी देख आया करो। तभी विशाल अपने माँ से बोलता है, ठीक है माँ, मुझे जब छुट्टी मिलेगी मैं ज़रूर जाकर देख आऊँगा। इसी तरह कई महीने बीत गए। विशाल अपने काम में बहुत व्यस्त हो गया। तभी माँ ने कहा कि तुम लोग गांव नहीं जाना चाहते तो मैं जाकर देख कर आती हूँ। तभी गीता बोलती है कि माँ मैं जाती हूँ और पीछे से विशाल मुझे लेने आ जाएंगे। गीता अकेले ही गांव के लिए चली जाती है। गीता को गांव के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। उसी गांव के अंदर एंट्री करने के लिए एक चौराहा पड़ता था। सब गांव वालों को तो पता था कि चौराहे को बीच से नहीं लांघा जाता, किनारे से गांव के लोग जाते थे, क्योंकि साल में एक बार चौराहे के बीच में पूजा होती है। लेकिन गीता गांव में नहीं रहती थी, इसलिए उसे पता नहीं था और वो चौराहे के बीचों बीच से निकल जाती है और अपने गांव की जमीन हवेली खेती आदि का मुआयना कर लेती है। ये बात विशाल के एक दूर के चाचा थे, उन्हें पसंद नहीं आती है। अगले दिन विशाल गीता को लेने गांव आया। अभी सब ठीक था पर गीता कुछ बीमार लग रही थी। विशाल को लगा कि गांव के खान पान से थोड़ा तबीयत गीता का बिगड़ गया है और विशाल गीता को लेकर घर आ जाता है और गीता की धीरे धीरे तबीयत बिगड़नी शुरू हो जाती है। गीता घर का काम काज भी जैसे तैसे करती थी और वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। विशाल गीता को लेकर बहुत से डॉक्टरों को दिखाता है। गीता की तबीयत बिगड़ते जा रही थी। करीब एक महीना बीत जाता है और बीमारी का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तभी एक दिन विशाल की मौसी विशाल की माँ से मिलने आती है और वो गीता को इतना कमज़ोर और बीमार देखकर चौंक जाती है और विशाल की माँ से बोलती है, दीदी गीता को किसी अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं दिखाया। तब विशाल की माँ बोलती है कि हमने सब तरह के इलाज करा लिए पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तब मौसी कहती है कि इसे किसी बाबा को क्यों नहीं दिखाया, मैं एक ऐसे बाबा को जानती हूँ, कल मैं उस बाबा को गीता को दिखाने के लिए आपके घर लेकर आऊँगी। तभी अगले दिन गीता की बहुत तबीयत खराब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। मौसी बाबा को लेकर विशाल के घर आती है। साधु घर में घुसते ही थोड़ा चौंक जाता है। विशाल की माँ अपनी बहन से बोलती है कि गीता को तो हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है और ये बोलकर रोने लगी। विशाल की मौसी कहती है, दीदी मैं साधु को लेकर आई हूँ, ये बहुत अच्छे हैं, सब ठीक कर देंगे। अब घर पर गीता तो नहीं थी। तब साधु ने गीता का कोई वस्त्र मांगा और कुछ मंत्र अपनी आंखें बंद करके बुदबुदाया। फिर साधु कुछ देर बाद आंखें खोलते हैं और बहुत परेशान से दिखते हैं। मौसी के पूछने पर साधु बोलता है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाने में बहुत देर कर दी, गीता पर किसी बुरी आत्मा का साया है। माँ पूछती है, ये कैसे हुआ और अब कुछ हो नहीं सकता क्या। तब साधु बाबा बोलते हैं कि इसने किसी चौराहे को लांघ दिया है और गांव में घुसते ही पिशाचनी ने गीता को पकड़ लिया और धीरे धीरे इसका सारा खून पी गई और इसे कमज़ोर कर दिया। अब कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत देर हो चुकी है,
अगर आप लोग मुझे समय पे बुला लेते तो शायद मैं कुछ कर सकता। अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तभी हॉस्पिटल से खबर आती है कि गीता अब नहीं रही। ये सुनते ही घर में एक मातम सा छा गया। विशाल अपनी माँ को फ़ोन पर ये खबर बताकर बहुत बिलख बिलख कर रो रहा था और बोल रहा था, माँ मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, अब मेरे इन मासूम बच्चों को कौन देखेगा। माँ थोड़ा हिम्मत करके विशाल को शांत करती है और बोलती है कि तुम घर पर आ जाओ। विशाल गीता का अंतिम संस्कार करके गांव जाता है, पता लगाने कि गीता को ये बुरा साया कैसे लगा। तभी विशाल को पता चलता है कि उसके दूर के चाचा, जो विशाल के माँ बाप से बहुत चिढ़ते थे, उन्हीं ने गीता पर टोना टोटका करके फेंक दिया था। अब विशाल क्या कर सकता था। तभी विशाल ने पुलिस को बुलाकर अपने चाचा को पकड़ा दिया। अगर विशाल ये काम कर देता तो गीता बच सकती थी। विशाल की माँ बार बार गांव जाने के लिए बोल रही थी। गीता एक संस्कारी बहू थी, इसलिए उसने अपनी सास की बात को नहीं टाला और अकेले ही चली गई। गीता के दो मासूम बच्चे अब बिन माँ के पलेंगे। दोस्तों, लोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए दूसरों के घर में अंधेरा कर देते हैं। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।